बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय आज सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण अनुदान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। महोदय, यदि आज वर्तमान के समय में अगर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की बात करें तो सबसे पहले मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने इस देश के दलितों पिछड़ों को एक समान अधिकार और उनको सामाजिक न्याय देकर के समान सशक्तिकरण का अधिकार देने का कार्य किया। और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगी जो लगातार अपने कार्यों को पूर्ण रूप से निर्वाहन करते हुए तरह तरह की अच्छी अच्छी योजनाएं ला करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में भी उन्होंने एक योजना को लाया और गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ है। मैं चाहूंगी ऐसे कार्यक्रम हमारे लोकसभा क्षेत्र में भी हो, जिससे हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी फायदा हो सके। महोदय, अभी सामने से सवाल उठ रहे थे कि ये सरकार क्या कर रही है। महोदय, इससे पहले भी तमाम आयोग रहे हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग रहा हो, अनुसूचित जनजाति आयोग रहा हो, महिला आयोग रहा हो, पिछड़ा वर्ग आयोग रहा हो, कई बार यहाँ पर बात रखी गई, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया। यदि संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किसी सरकार ने किया तो वो मोदी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर आज जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगी, क्योंकि आदरणीय सभापति महोदय पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति में होने के नाते तमाम बैठकों में जाने के बाद ये हमने देखा है कि आज भी हमारा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, चाहे कैटेगरी ए हो, बी हो, सी हो, जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर आज भी नहीं है, वहां पर जगह रिक्त है। उसका सबसे बड़ा कारण महोदय ये है कि कई बार रिक्तियां निकाली जाती हैं, तो वो रिक्तियां दो, तीन या चार की संख्याओं में निकाली जाती हैं, जिसकी वजह से आरक्षण नहीं मिल पाता है। और 27% आरक्षण होने के बाद भी हम 27% आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए महोदय, मैं चाहूंगी कि उन नियुक्तियों को बड़ी संख्या में निकाला जाए, जिससे आरक्षण का लाभ हमारे युवा भाइयों बहनों को मिल सके। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते हुए लोगों को जोड़ने का काम करें, आगे ले जाने का काम करें। अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके इशारे को समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी आपका मैं संरक्षण चाहती हूँ। आज आदरणीय मोदी जी लगातार सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, चाहे वो हमारे दिव्यांग भाइयों की बात करें, निर्धन बच्चों की शिक्षा की बात करें, उनके रहन सहन की बात करें, वृद्ध माता पिता की बात करें, या मान्यवर यदि हम बात करते हैं नारी की, तो मैं एक नारी होने की वजह से इस देश की आधी आबादी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ऐसे मान्यवर, मैं चाहती हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति लगातार चिंतित है, और आदरणीय मोदी जी तमाम योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैंने अभी दो दिन पहले सुना था, जब मैं अपने पिताजी के साथ आदरणीय मोदी जी से मिली, तो उन्होंने बधाई दिया पिताजी को, इसलिए नहीं कि मैं बधाइयों से जीत के आई हूँ, बल्कि उन्होंने इसलिए बधाई दिया कि मैं, मतलब उन्होंने बेटी को जीत के यहाँ जिताकर भेजा, इसलिए बधाई दिया। इससे साफ साबित होता है कि वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मान्यवर, आज जिस तरह से इस देश में कुरीतियां पनप रही हैं, एक बार फिर लगता है कि इस देश में राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक की फिर जरूरत आन पड़ी है। तमाम जगह जगह पर जिस तरह से महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में जघन्य अपराध हो रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय देने के बजाय जो अभी तक इस देश में सत्ता शासन करते रहे, अभी उन्होंने चर्चा भी किया कि दलितों को, पिछड़ों को, उन्हें छुआछूत के भाव से देखा जाता है। यदि महोदय हम अभी अखबारों को उठा करके देखें, अभी एक हमारे सदस्य ने कहा भी कि दलित भाई के साथ में उसके प्राइवेट पार्ट में किस तरह से पेट्रोल डाला जाता है,
यदि हम चर्चा करें, अगर हम अखबारों को देखें और उससे हम निष्कर्ष निकालें, तो साफ साबित होता है कि जहां पर आज भी कांग्रेस की सरकार है, सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार उन्हीं जगहों पर हो रहा है। चाहे वो दूल्हा जब घोड़े पर बैठ करके जा रहा हो तो उसको उतार करके मारने का काम हो रहा हो, चाहे चारपाई पर बैठ जाए यदि दलित तो उसको लात घूंसे से मार करके मार डालने का काम हो रहा हो, चाहे आदिवासी बेटियों के स्तनों को दबा करके यह देखा जाए कि वो विवाहित है या अविवाहित है, चाहे वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि समाज को टेंट देने पर ये कह दिया जाए कि वह टेंट अछूत हो गया है, इस चीज को लेकर के बात हो, तो मान्यवर निश्चित तौर पर आज भी उनकी मानसिकता वही है कि दलितों पिछड़ों शोषितों को बेवकूफ बनाओ और वोट लो। लेकिन अब वो ये भूल गए हैं कि आज दलित और पिछड़ा वर्ग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर उसे अपना हक और अधिकार मिलेगा। मान्यवर, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्ग के साथ में एक बहुत बड़ी जातिती होने जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम सबका संरक्षण आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। एक रिपोर्ट बीपी शर्मा जी के अनुसार क्रीमी लेयर के जो लेकर के उन्होंने रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार अगर वो रिपोर्ट लागू होती है तो मान्यवर पिछड़ा वर्ग जो नौ युवक भाई बहने हमारे आगे बढ़ने को तैयार हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो जीते जी उनके सामने ऐसा होगा कि अभी उन्होंने जीवन की शुरुआत की और सामने यमराज आकर के खड़े हो गए। इसलिए मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि जिस तरह से आज चाहे वह स्वर्ण समाज के आरक्षण की बात हो, जब हर पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है तो इस पिछड़े वर्ग को भी अवसर मिलना चाहिए। मान्यवर, दो लाइनों चार लाइनों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगी।